दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 13वें मुकाबले के बारे में। दोस्तों आपको बताएं कि आईपीएल 2024 का आज 13वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। दोस्तों ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस बार दोनों धांगड़ टीमें आमने सामने होंगी। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम आज जीतेगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, आपको बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 13वें मैच में आज दिल्ली कैपिटल का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोस्तों चेन्नई ने अपने शुरुआती सीजन के दोनों मैचों को जीतते हुए अभियान की शुरुआत जोरदार शुरुआत की है दोस्तों, जबकि दिल्ली को अपने दोनों मैचों में हार झेलनी पड़ी है। दोस्तों ऐसे में दिल्ली की टीम के सामने चेन्नई की जीत की हैट्रिक को रोकने की चुनौती होगी। दोस्तों हेड टू हेड मुकाबले दोस्तों चेन्नई का पल्ला है भारी, यानी दिल्ली के खिलाफ चेन्नई का पल्ला भारी है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 मैच चेन्नई सुपर किंग ने जीत हासिल की है और 10 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए हैं। दोस्तों पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच दो मैचों में आपस में भिंडत हुई थी। दोस्तों दोनों मैच चेन्नई ने अपने नाम किए। दोस्तों दिलचस्प रूप से दिल्ली ने इस सीजन के विरुद्ध अपनी पिछली जीत 2021 में दर्ज की थी। दोस्तों इस संयोजन के साथ यानी इस टीम के साथ उतर सकती है दिल्ली की टीम, यानी अब तक दोनों मैचों में कप्तान ऋषभ पंत उपयोगी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों सीख क्रम में दिल्ली ने रिंकी भोई को मौका दिया और वह अपने दोनों मैचों में ढाई का आंकड़ा भी नहीं छूप सके। दोस्तों उनके स्थान पर पृथ्वी शाह को मौका मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई को पिछले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंदर की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अब तक दोनों मैचों में चेन्नई की बल्लेबाजी संतुष्टिच नजर आई है। दोस्तों जीत पर आई हुई चेन्नई की टीम ने बदलाव की ज्यादा संभावना नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों दिल्ली कैपिटल की संभावित प्लेइंग 11 डेविड वार्नर, मिचेल स्मार्क्स, पृथ्वी शाह ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर, टिस्टम डिस्टॉक्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचिन रविंदर, अजिंक्य राणे, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुजफ्फर रहमान। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे। और दोस्तों यहां पर फिर चेन्नई अपनी हैट्रिक मारेगी। दोस्तों तीसरी जीत चेन्नई अपने नाम करेगी, यानी कि आज चेन्नई सुपर किंग जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यानी 13वें मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।